हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज प्रणव तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। तो यार, जैसा आपने लास्ट लोगों देखा होगा, हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरी। और फिलहाल हूं मैं मसूरी में। भाई ठंडी हवा देख रहे हो, आज जस्ट व्यू देखो यार, बहुत ज्यादा फिर तो बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हवा आ रहा है भाई। तो हम लोगों का प्लान है जॉर्ज एवरेस्ट चलने का, और हम वहीं पे कैंपिंग करने वाले हैं। मैं सोचा कि एक ब्लॉग में आपको यहाँ पे जो भी लोकल एरियाज हैं, पहले आपको वो दिखा देता हूँ, क्या क्या सीन है यहाँ पे, कैसे कैसे भाई इतने प्यारे व्यूज आ रहे हैं ना, तो पहले आपको वो दिखाता हूँ। हम लोग रुके हैं यहाँ पे रावत भोजनालय में, और ये देखो ये यहाँ का प्राइस। हाँ, जिंजर टी, मेरे लिए जिंजर टी। गाइस आप पॉज करके अपने स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना प्राइसेस जो भी हैं, क्योंकि यार सबसे सस्ता है यहाँ का एरिया जो है ना। ये हमने भी ऑर्डर करा था आलू पराठे, यार बहुत सस्ता है, 30 रुपए का है। 30 रुपए यहाँ पे बहुत बहुत ट्रीट है। ये बाकी हमने और भी चीज़ें ऑर्डर करी है, और अब जब भी यहाँ पे विजिट करते हो तो आप यहाँ पे आकर रावत भोजनालय में एक बार विजिट कर सकते हो। देखो ये हमने एक और नया अच्छी लिया है, मतलब कर लिया था हमने नया डिकैथलॉन का टेंट एक और। तो यार ये है हमारा नया डिकैथलॉन का टेंट। एक तो मेरे बैग में ऑलरेडी पड़ा है जो मेरा पुराना वाला है, और ये भी हमने लिया है योगा मैट, मतलब ये क्या है, आइसोलेटेड आइसोथर्मल कुछ बताया था। ये भी केचुआ का ओरिजिनल ही, हम सब कुछ डिकैथलॉन से लिया था। यार आज कैंपिंग होगी हमारी बहुत तगड़ी। गाइस अभी लोग खाना वाना खा के निकले थे, लेकिन सीन ऐसा हुआ कि इतनी खतरनाक बारिश होने लगी ना, मतलब हो ही रही थी, बस बारिश ही कम नहीं हो रही थी। लास्ट में हमें वापस से यही अपने केदार रख ट्रक जैसा वापस हमने यहाँ पर रेनकोट लिया है, और हम वापस से चल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। इतनी बारिश, हम लोग स्कूटी तो रेंट ले नहीं सकते थे, और कोई ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल था नहीं, इस चक्कर में पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू, हमारे से इस रास्ते पे कोई नहीं है, और भाई क्या ही प्यारे प्यारे व्यूज हैं यहाँ के। सीरियसली अभी तो यार बहुत लंबा ट्रैक हमें करके जाना है, सबकी हालत देखो ना, हालत खराब हो रही है लोगों का अभी से, बट यार वर्थ इट रहेगा। आई होप हमारे लिए वर्थ इट रहेगा ट्रैक। गाइस फाइनली हम लोग बेस तक पहुंच गए जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर में यार पीक। और भाई ये लोकेशन देखो कितना प्यारा है यार, कुछ ज्यादा ही प्यारा है ये जगह, लाइक पूरी ग्रीनरी। देखे आपको बोले थे ना मिट्टी बारिश के बाद का फायदा, देख रहे हैं, इसीलिए भाई बारिश के बाद का यही नजारा रहता है। तो फाइनली गाइस हम लोग ट्रैक शुरू कर रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट का, देखते हैं कितना लंबा ट्रैक है। जो भी है यहाँ पे यार गाड़ी तो अभी अलाउ कर नहीं रहा है लेके जाना, पीछे देख लो, पीछे में साइन बोर्ड भी लगा ही हुआ था, अगर आप कुछ ऊपर जाके गंदगी फैलाते हो तो 500 रुपये का उस पर भी फाइन है। बाकी आज हमारा प्लान है ऊपर चढ़ के कैंपिंग करने का, उसके लिए हमने सबसे बात कर ली है, कोई स्पेशल से परमिट की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी यहाँ पे जो भी लोग थे लोकल उन सबसे पूछा, उन सबने बोला कि नहीं कोई परमिट नहीं चाहिए होती है। गाइस ये देखो ऊपर आ गए 1.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये है एक बेस कैंप, लाइक जो यहाँ पे स्टे करना चाहे वो यहाँ पे करके स्टे कर सकता है। प्राइसेस यहाँ के यार 1200 रुपये के समथिंग है एक टेंट का पर बेड। ये प्लेस देखो, बाकी मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि सीन यहाँ पे ये है कि अभी दो पुलिस वाले मिले थे, तो वो हम ये बता रहे हैं कि यार आपको यहाँ पे कैंपिंग करनी है तो आपको चार्जेस पे करने होंगे 300 फॉर 2 पर्सन, लाइक टेंट आपका अपना होगा बट चार्जिंग चार्ज होगा, प्लेस का चार्ज होगा। तो यार पता नहीं अभी हमें ऐसा क्या सीन है, कि नीचे तो किसी ने ऐसा कुछ बताया नहीं था, और यहाँ पे कोई पर्ची वर्ची वाला दिख नहीं रहा है। मैंने भी पिछले थोड़े पहले वो रेट चार्ट दिखाया था, बाकी ये भी चेकआउट करो। अरे हरे महादेव, हो कोई फिक्र नहीं है, कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है कोई मर्ज नहीं, मुझे फिक्र नहीं है मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ तेरी नकल नहीं, कोई फिक्र नहीं है कोई गर्ज नहीं, बस इश्क हुआ है कोई मर्ज नहीं, मुझे फिक्र नहीं है मुझे अकल नहीं, मैं असल में तू हूँ तेरी नकल नहीं। गाइस
क्या रास्ता है आगे गाइस, रास्ता देखो zigzag, ये कौन सी चढ़ाई है zigzag zigzag zigzag, क्यों जहां लोग हैं वहां। अब ये रास्ता देखो भाई, रास्ता थोड़े ना, क्या है यार ये भाई साहब, बहुत खतरनाक है सीरियसली, हाथ पैर सब, थोड़ा ही पैर स्लिप हुआ ना तो और यार इस प्लेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है यार, लोग वहाँ जाते हैं यहाँ, लोग जा रहे हैं उस साइड, हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए और खतरनाक जगह देखने जहाँ कोई नहीं गया हो, हम ऐसी जगह पर जाएंगे। हाँ वो उधर से भैया वहीं जाएगा, यहाँ से भी वहीं जाएगा, ऊपर से ऊपर नहीं जाएगा भाई, हम सबसे आगे हैं तुम्हारे, तुम आगे आ रहे, कीप मूविंग देख के, हालत खराब है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हाथ टिका लेना तब आना, we will do it, we can do it, yes. एकदम पीछे मत रहना, पत्थर गिरता है ठीक है, टॉप पे पहुंच के दिखाता हूँ आपको गाइस, बस जगह चेकआउट करो सीरियसली यार, ये है भाई कैंपिंग की जगह, यहाँ से व्यू देखो, हमारा प्लान है वहां जाने का, यहाँ से सकते हैं, यहाँ से देखो एक और बंदा ऊपर जा रहा है, हम वहां पहुंच के कैंपिंग करेंगे, पहले हाथ टिकाना, जिस पत्थर पे हाथ टिके उसी पे पैर रखना, हेलो हां आ जाने दे इन लोगों को भी, वीडियो बना रहा हूं, हां चलो भाई उतरेंगे कैसे यार, उतर जाएंगे, देखो बंदे का डेडिकेशन है, बस पैर में चोट लगी ब्लड आ रहा है, लेकिन नहीं पैर में चोट लगी है ब्लड आ रहा है बट नहीं, जाना है तो भाई चढ़ना है तो चढ़ना है, चढ़ना है तो भाई चढ़ना है, बस थोड़ी दूर और है टॉप, बस एक बार टॉप तक पहुंच जाए उसके बाद भाई जो सुकून है ना, व्यू देख रहे हो बस, यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से 360 व्यू देखो, क्या ही जगह है यार, हमारा इंडिया भी कम नहीं है भाई, न्यू चैलेंज, वी विल क्लाइम इनक्लाइन, मतलब जो रास्ता ऐसा सर्कुलर जाता है वहां से नहीं, हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा चलेंगे, ठीक है भाई, यही होता है, साथ के बंदों के साथ आओ फिर मजा आता है ऐसे ही, हाँ बट सबसे हाईएस्ट है ये, पहले इस पे चलते हैं उसके बाद पूरा एक्सप्लोर करना है, आज तो यहीं रुकना है भाई, ये किक को ज्यादा ही महंगा पड़ेगा, तो करके जाएंगे, we will do it, we can do it, भाई उतना उससे ज्यादा खाना चाहिए, we can do it, check out this, बहुत प्यार से जाएंगे इस पे, literally, exactly, मुझे पत्थर स्लिप ना करे, इस पे पैर रखना है, दिस इज द ओनली रूल, भाई सामने का रास्ता देखो कहाँ चढ़ना है इस पे, चलो 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 फोन रख, फोन पकड़ लो यार एक बार, लेट्स सो मच गो ऑन, मैं ऊपर जाता हूँ,
Come on, Pranav. Left. You can do it, man. I will. Come on, Aditya. Yeah, yeah. Yes. तुम्हें भी आना। Yes. Come on, Naman, come on. Come on, Naman, come on. बस पत्थर देख। पत्थर देख के? नहीं पहले चढ़ने दो इसको। Come on. Yes. तो guys, finally यहाँ तक लोग पहुँच गए हम चारों लोग। इतना खतरनाक चाली लेके भाई साहब। मतलब थोड़ा सा भी पैर स्लिप होता ना, सर के बल पीछे गिरता। तो यही मौका है मेमोरीज बनाने का। दिस इज द टॉप। वी डिड इट। यहाँ पे चूतियों ने प्लास्टिक फैला रखा है। पागल क्या? हमने ये ट्रैक कर लिया है कंप्लीट। अब हम नीचे जा रहे हैं और भाई रास्ता देख रहे हो, रास्ता के नाम पे कुछ है ही नहीं भाई। सीरियसली रास्ते के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हमारा प्लान है यहाँ पे रात को कैंपिंग करने का। तो कैंपिंग वाली जो वीडियो है उसकी अगली वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। मैं आराम से नीचे उतर जाता हूँ। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अगली वीडियो जरूर देखना क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे नाइट कैंप करने वाले हैं। तो भाई वो सोच सकते हो कितना प्यारा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले टाटा बाय बाय।